हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज हम एरंड के फायदे के बारे में बात करेंगे। एरंड एक भारतीय मूल का पौधा है जो भारत में सर्वत्र पाया जाता है। एरंड का पौधा लगभग 8 से 15 फुट ऊंचा होता है और यह पतला, लंबा और स्निग्ध होता है। वर्षा काल में यह लगभग सारे भारत में अपने आप उगता है। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। एरंड के पत्ते चौड़े और बड़े होते हैं। एरंड के पुष्प एकलिंगी लाल बैंगनी रंग के होते हैं और इसके फल कंटक युक्त होते हैं। एरंड औषधीय गुणों का भंडार होता है। एरंड के बीजों में से तेल निकाला जाता है जो औषधीय कार्य में बहुत लाभकारी होता है। एरंड के तेल को अंग्रेजी में कैस्ट्रोल ऑयल से जाना जाता है। एरंड का संस्कृत नाम उत्तान पत्रक, व्यात्रपुच्छ और वर्धमान है। हिंदी में अरंड और अंडी से जानते हैं। गुजराती में एरंडो और दिविलियो कहते हैं। मराठी में एरंडी और बंगाली में भेरंडे कहते हैं। हिंदी में अरंड और अंडी से जानते हैं। गुजराती में एरंडो और दिविलियो कहते हैं। मराठी में एरंडी और बंगाली में भेरंडे कहते हैं। फारसी में इसे वेद अंजीर से जानते हैं और इसका अंग्रेजी नाम कैस्टर ऑयल प्लांट है। एरंड के आयुर्वेदिक गुण धर्म की हम बात करें तो यह कफ, वात, शामक, पित्तवर्धक, शोथहर, वेदना स्थापन और भेदन, स्नेहल, कृमि निसारक, कपग्न, मूत्र विशोधन और स्तन्य जनन है। इसके अलावा यह शुक्र तथा गर्भाशय का शोधन करने वाला और कुष्ठग्न तथा ज्वर का नाश करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एरंड के औषधीय फायदे के बारे में। एरंड त्वचा और बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। एरंड की लगभग 20 ग्राम जड़ को लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाए और जब 6 मिलीलीटर मात्र शेष रह जाए तब इस पानी को ठंडा होने पर पीने से त्वचा संबंधी रोग में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अरंडी के तेल की त्वचा पर मालिश करने से त्वचा मुलायम होती है। इसके अलावा यह बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को बाल बहुत कम हो ऐसे लोगों को नियमित रूप से सोते समय अरंडी के तेल की मालिश करने से कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे और काले बाल उगने लग जाते हैं। अरंडी के तेल से बालों का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ता है। सिर दर्द होने पर अरंडी की जड़ को पानी में पीचकर माथे पर लगाने से सिर दर्द में फायदा होता है। अरंडी दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है। पायरिया में अरंडी के तेल में कपूर मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करने से पायरिया रोग मिट जाता है। दोस्तों अरंडी के बीजों की मिर्गी को दूध में पीचकर पीने से गर्दन और कमर का दर्द दूर होता है। यदि गर्भवती स्त्री को कामला हो जाए तो शुरुआती अवस्था में एरंड के पत्तों का 10 ग्राम रस प्रातःकाल 5 दिनों तक पिलाने से कामला रोग दूर होता है और सूजन भी उतर जाती है। एरंड के पत्तों को गर्म कर पेट पर बांधने से मासिक धर्म ठीक से होने लगता है। लगभग 10 ग्राम एरंड के तेल को 3 ग्राम गुगलू और 10 ग्राम गौमूत्र के साथ सुबह शाम पीने से और वेदना स्थान पर एरंड के पत्र को गर्म कर बांधने से अंडकोश के वृद्धि में जो पीड़ा होती है वह शीघ्र मिटती है। दोस्तों बिगड़े हुए घाव और फोड़ों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से घाव और व्रण अच्छे हो जाते हैं। शरीर की किसी भी प्रकार की सूजन में एरंड के पत्तों को गर्म कर तेल चुपड़ कर बांधने से बहुत लाभ मिलता है। एरंड कब्ज को दूर करने की रामबाण औषधि है। एरंड के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी दूर होती है। इसके अलावा 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंडी का तेल मिलाकर सोते समय पीने से पेट साफ हो जाता है जिसके कारण अर्स और बवासीर भी मिटते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, लाल एरंड के 20 बीजों की गिरी नशा पैदा करते हैं और ज्यादा खाने से बहुत वमन होता है। यह आमाशय को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा छोटे बच्चे, गर्भवती स्त्रियों और दुर्बल शरीर वालों को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों इस जानकारी को अपने स्नेही जनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।